हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है फर्स्ट डे ट्रिप का, और हम लोग, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखा दिया था रूम वगैरह, तो यहीं से ही जो है सेकंड व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा रूम, ठीक है। और इसके बाद अभी बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है, इसलिए हम लोग जस्ट हमारे होटल के ही जस्ट बाजू में बहुत ही अच्छा साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन प्योर वेज रेस्टोरेंट था, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि अपनी पसंद का खाना वो भी ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था जो है एक सब्ज़ी और कुछ 3 to 4 चपातीज, आरवी के लिए एक पराठा, क्योंकि आरवी जो है नान तो खा नहीं पाएगी। तो खाना वाना खाकर हम लोग चल पड़े हैं हमारी पहली डेस्टिनेशन की तरफ। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं मैसूर पैलेस। ये नहीं देखा तो क्या देखा। तो अगर आप मैसूर आए हो और बाकी जगह घूमो ना घूमो, लेकिन ये जो पैलेस है ना, ये घूमना बनता है। बहुत तारीफ सुनी है मैंने इसकी और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। मुझे पैलेस रिलेटेड चीज़ें बहुत पसंद है, हालांकि मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में तो महल वगैरह बहुत हैं, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था। और एक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध, कह सकते हैं मोस्ट विजिटेड प्लेस है ये मैसूर में, और मैसूर पैलेस है। तो चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ, मेरे साथ में आज मैं भी देखूँगी, आप भी देखना कि ये कैसा है क्या है। तो आज ये हमारे होटल से कुछ 15 या 20 मिनट्स की ही ड्राइव पे था, तो हम फटाफट करके आ चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है सोच रहे हैं कि नाइट का शो भी अटेंड करेंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पर डे ट्रिप होती जिसमें आप जो है मैसूर पैलेस अंदर से देख सकते हो, सब चीज़ें दिखाएंगे, बहुत बड़ा पैलेस है, आराम से देखेंगे। लेकिन एक शो रात को भी होता है जो कुछ आधे घंटे के लिए होता है, उसके लिए दोबारा फिर से टिकट लेनी पड़ती है। तो हम लोग वो भी देखने का सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला है कि मैसूर पैलेस तो ज़रूर जाकर आना और अंदर से भी देख कर आना, और जो रात की जो नाइट शो वाली जो टिकट होती वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि तुम लोग बहुत मुश्किल से घर से बाहर निकलते हो, तो अगर आए हो तो ये ज़रूर देखना। तो हम लोग ऑलरेडी जो है अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद ये काफ़ी थोड़ा वॉकेबल चीज़ें होंगी, तो मुझे लगता है हमें आराम से 1 घंटा लग जाने वाला है पूरा पैलेस घूमने में। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि पैलेस में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि ये पैलेस है, लग रहा था जैसे कि जस्ट अभी ही इसी ज़माने के किसी राजा महाराजा ने अपने लिए बनवाया है। लेकिन इसकी मेंटेनेंस इतनी अच्छी थी कि मुझे बाहर से ही इतनी अच्छी एक्साइटमेंट इसको देखकर आ रही थी ना, आप देख सकते हो, मुझे ये बाहर से बहुत ही बेहद खूबसूरत लगा। आज तक सिर्फ पिक्चरों में देखा था, या फिर आज तक जो है सिर्फ टीवी पे या मोबाइल पे या दोस्तों के मुंह से सुना था कि बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है, लेकिन आज मैं खुद देख के बड़ी हैरान हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि फटाफट से अंदर शुरू करते हैं। तो आपको अगर मैसूर पैलेस की पूरी हिस्ट्री जाननी है, तो यहाँ पर जो है जब भी आप आओगे तो यहाँ पर आपको जो है पेड गाइड भी मिल जाएंगे, तो आप वो पेड गाइड ले सकते हो, लेकिन हमने गाइड वगैरह नहीं लिया, तो थोड़ी सी हम लोगों को दिक्कत हो सकती है चीज़ों को जानने पहचानने में या मुझे बताने में। तो अगर आप गाइड लेना चाहते हो तो शायद 200, 300, 400 आई डोंट नो कितने चार्जेस में वो आपको पूरा महल बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो मैं यहाँ पर जो है शुरू कर रही हूँ पूरा ट्रैवल अंदर, जैसे पैलेस, बाकी पैलेस होते हैं ना जहाँ पर राजा महाराजाओं की पिक्चर्स वगैरह लगी हुई होती है, उनका यूज़ किया हुआ सामान रखा हुआ होता है, जो भी उनके पास जो भी चीज़ें होती हैं एंटीक, वो चीज़ें जो है शो में लगाई जाती हैं, तो कुछ ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ से शुरू करते हैं, फटाफट से देखते हैं अंदर क्या है। तो आप यहाँ पर दीवारों में देख सकते हो ये पेंटिंग की हुई है, और इतनी सफाई से पेंटिंग की हुई लग ही नहीं रहा, और ऐसा लग जैसे किसी ने पोस्टर लगाया हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल मिडिल में ये एक जगह बनाई हुई है, और कितने सुंदर तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है, सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं, हर एक चीज़। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, अंदर से ही बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और उसके बाद धीरे धीरे चलते हैं, ये वो एरिया है जब रॉयल फैमिली यहाँ पर आती है, दशहरे के टाइम में रॉयल फैमिली यहाँ पर आती है, और यहाँ पे दशहरे के टाइम पे ना बहुत बड़ा फंक्शन होता है, यानी कि बहुत ही ग्रैंड टू ग्रैंड फंक्शन होता है यहाँ पर, जिसकी प्रिपरेशन के लिए कई महीने लग जाते हैं। तो वो यहाँ पर आते हैं, पूरी रॉयल फैमिली इस पूरी जगह पे बैठती है, और जो भी शो वगैरह होते हैं वो सब वहाँ से बैठ के देखती है। तो ये देखिए आप दीवारों पर देख सकते हो, तो सुंदर बनाया हुआ है, मुझे तो बेहद ही पसंद आया। पता नहीं ये वीडियो पे शायद आपको जस्टिस ना मिले इस जगह को, बट लिटरली मुझे बहुत पसंद आया, इतना खुला खुला बनाया हुआ था और इतने दरवाजे इतने खिड़कियां, समझ ही नहीं आ रहा था। और आप ये देख सकते हो ये इतना सुंदर सा मिरर बनाया हुआ है, और वुड वर्क भी किया हुआ है। और इसके साथ साथ अभी और हम अगर आगे जाते हैं
तो ये देखिए, ये है वो मीटिंग रूम जहाँ पर रॉयल फैमिली, पहले के टाइम पे रॉयल फैमिली बैठ के जो है डिस्कशन वगैरह किया करती थी। और यहाँ पर आपको वुडवर्क देखो, छत पे इतना बारीक वुडवर्क किया हुआ है, और ये वुड भी शायद कोई स्पेशल वुड है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और इसी रूम में ना यहाँ पर एक चांदी का डोर भी दिया गया है, यानी कि सिल्वर का एक डोर भी है जिसे स्पेशल मेंशन किया गया है वहाँ पर। तो हर जगह पे गार्ड रखे हुए हैं, हर एक रूम में एक से दो गार्ड रखे हुए हैं चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, टाइमिंग मेंटेन करने के लिए। तो मुझे तो वुडवर्क सच में बहुत ही अच्छा लगा, और शाइनिंग पूरे महल की इतनी अच्छी शाइनिंग है। ये वाला जो दरवाज़ा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है प्योर सिल्वर का, इतना बड़ा दरवाज़ा प्योर सिल्वर का। और ये पूरी जगह, ये है वो बैठक, यानी कि मीटिंग पर्पज से ये पूरा रूम जो है किया गया है। तो जितना जानो उतना कम है इस चीज़ के बारे में। और मैं तो कम से कम, हम लोगों को 1 से 1.5 घंटा लग गया अंदर, और बाहर ये थोड़ा सा महल के बाहर के साइड, यानी कि एग्ज़िट के साइड पे ये एक शॉप खुली हुई है जहाँ पर आपको हाथियों को सजाने का या डेकोरेशन का सामान आपको मिल जाएगा। ये पूरा महल काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, ये मेन जो आपको बाहर से कुछ इस तरह का शो होने वाला है, आप जहाँ तक नज़र घुमा सकते हो वहाँ तक ये पूरा महल ही महल है। बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत अच्छी मेंटेनेंस है, और 2-3 जो है मेन मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों का कोई इतिहास है इस महल से जुड़ा हुआ, जो कि मैं ना तो पूछ पाई ना ही मुझे किसी ने बताया, लेकिन मुझे ज़रूर जानना है। और ये महल कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये वाला बाहर वाला जो शो है ना महल का, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो हम लोगों ने जो है स्पेशल फ़ोटोज़ भी करवाई हैं वहाँ पर, कई सारे फ़ोटोग्राफ़र्स वहाँ पर घूम रहे थे, तो हम लोगों ने फ़ोटोज़ भी करवाई है। और आरवी थक चुकी है, आरवी को बैठना है, कहीं पे बैठ के स्नैक्स खाना है। तो आरवी मुझे कह रही थी कहीं बैठने की जगह ढूंढो, तो अभी हम यहाँ पर जो है इस चीज़ को अच्छे से इंजॉय करेंगे, और जैसे सनसेट होगा हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरा टिकट लेने का। तो मैं आपको इसके नेक्स्ट वाली भी वीडियो में मिलती हूँ, जब हम लोग रात के टिकट बुक करेंगे। और रात में यहाँ पर होने वाला है स्पेशल लाइट शो इस महल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो बस ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो पे, वो भी जो है मैसूर पैलेस के ऊपर होगी, तो उसको देखना मत भूलना, वो बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।